पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा की दो सीटिंग होने के बावजूद एक ही सीटिंग में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी व अकाली दल के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आप विधायकों ने वेल में आकर अकाली भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर को राणा केपी सिंह को विधानसभा की कार्यवाही बीच में आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तब भी हंगामा ही हो रहा था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे ही बुधवार सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वहीं विपक्षी दलों द्वारा सदन की अवधि बढ़ाने पर सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर सदन के पास बिजनेस होता तो आज कार्यवाही 12 बजे स्थगित ना हो जाती। कि हंगामा उन्होंने सोचना चाहिए, जड़े बंदे हंगामा करते हैं किन्ना पंजाब नू कॉस्ट करते हैं। 70 लाख रुपया डेली लगता है और ये इतने रौला ही पा के मकाने एक पासे ओह, दूसरे पासे कहते हैं कि सानू टाइम दियो कम करने वास्ते। आज 12 बजे क्यों अजर्न हो गया हाउस, बिजनेस ही नहीं सी कोई। कैप्टन ने कहा कि नशे के आरोपों पर मजीठिया को क्लीन चिट नहीं दी गई। नारकोटिक एजेंसी केंद्र की है, ईडी केंद्र की एजेंसी है, वो जांच कर रही है और इस मामले में हम ईडी की मदद कर सकते हैं। केंद्र एजेंसी जांच कर रही है, वो तय करेगी कि कौन दोषी है और कौन नहीं। विपक्षी दलों के किसानों के कर्ज माफ का भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर सरकार 14 दिसंबर को पहली किश्त जारी करेगी। बिल तो पास हो गया जेड़े करने से, बाकी कल आ जाएंगे। नथिंग एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लेकिन मेरा मतलब है कि जो बिजनेस ही नहीं है तो फिर हाउस किस वास्ते तुसी बटा रहे हो। 70 लाख रुपया तुसी सारे पे कर दे टैक्स पेयर्स फॉर दिस हाउस पर डे एक दिन च। लेकिन थोनू की कौन कहना उत्थे दा ही उत्थे है, केड़े इशू ते उत्थे उत्थे है। सर बेरोजगारी दा मुद्दा होए, बेरोजगारी एवरी जिस तरीके नाल सारा थोड़ा ख्याल ओवरनाइट ही असीं कर देंगे। ये सारिया चीज़ा शुरू हो गई ने, जैसे हुण थोड़ा ऑन दिस ऑल MOUs हैव साइन बट वो छोड़ो एज फार एज दिस, जैसे हुण थोड़ा दिस डेट वेवर है कर्जा माफ़ी 14 तरीक नूं पहला इंस्टॉलमेंट असीं दे रहे हैं, क्यों तुसीं हुण थोड़ा ख्याल आउंदे सारी असीं कर दिए इन्हां नूं। आम आदमी पार्टी व अकाली दोनों विपक्षी दलों द्वारा एक दूसरे पर छीटाकशी करने पर कांग्रेस सरकार के लिए राहत भरी बात रही। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने दोनों दलों पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि अकाली दल व आम आदमी पार्टी को चोर बता रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस प्योर है। सिद्धू ने कहा कि विपक्ष द्वारा एक तरफ सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सत्र चलने नहीं दिया जा रहा। आज तक पिछले 70 सालों के विच क्वेश्चन आवर डिसरप्ट नहीं होया, दो बार इन्होंने मर्यादा भंग की है और क्वेश्चन आवर नू भंग किया, एक कदे नहीं होया सी आज तक, राइट। ये जिम्मेवार है। फिर जे ये कहते हैं कि सानू लंबा सैशन चाहिए है, तो मैं ये दसो लंबा सैशन का मतलब होंगे क्वेश्चन आवर के पहले मिनट के ही रौला पाउण लग जाओ, रौला पा के की सुलझना है। इतिहासिक है कि दो ऑपोजिशन पार्टियां आपस के एक दूजे नाल लड़ी गई ने, कदे पहला देखे। पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही अकाली दल ने किसान कर्ज माफ को लेकर सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी द्वारा अकाली विधायक विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ CBI जांच की मांग को लेकर भी हंगामा किया गया। आप विधायकों द्वारा लगातार की जा रही नारेबाजी के कारण विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। कल मीटिंग की गई सी उत्थे स्पीकर दे चैंबर दे विच, मैं बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दा मैंबर सीगा। जदों ये शुगल करन दे सी सारे कांग्रेसी ते अकाली कि साढ़े कोल मुद्दे है नहीं गे, मैं उन्हां नूं 10 पक्क दे मुद्दे गड़ाते। कल दा 35 लाख रुपए दा सिमरजीत बैंस दा खुलासा, 35 लाख रुपया किसने दिता? अज पंजाब दे विच आत्महत्या, 290 किसान ऑलमोस्ट अज तक अमरिंदर दे राज विच आत्महत्या कर गए ने। अज पंजाब दे विच गैर कानूनी माइनिंग शरेआम ट्रिब्यून अखबार ने वड्डा सफा लाता वा, आद कई मसले सीगे जिहड़े असीं कर उन्होंने कहा, वो कहते नहीं जी ये तो डिस्कशन हो ही नहीं सकती। तो मैं उन्होंने कहा मेरा डायसन नोट कर लो, आई विल वॉकआउट ऑफ द मीटिंग। तो कल मैं अज जो टेबल बिल हुआ उसका विरोध करके असं वॉकआउट करके आया, क्योंकि इस मंदिर इन्होंने मजाक बना लिया, इस मंदिर किसी को बोलने नहीं देंगे। असं अज सब तो पहला एडजर्नमेंट मोशन मंगया, असं वो नहीं मानते। कल 77 रूल ए असी 3 मोशन दिते, वो नहीं मने। देयरफॉर इट इज़ ऑल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। तो करने देंगे तो होगी, कौन है ट्रेजरी बेंचेस स्पीकर बोलने देगा तो तब होगी ना। तो आज हमने खुलासा जो किया था कल बैंस साहब ने, हमने उसके ऊपर बहस डिस्कशन मांगी।
करने देते डिस्कशन, लेकिन करने नहीं देते, हर किसी चीज पर डिस्कशन नहीं करना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, आई सेड दिस इज टू लिटिल टाइम, आज की सेकंड सिटिंग भी काट दिया, डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर डिबेट, फिर बाइक बंद कर दिया, देयरफॉर वी हैव नो ऑप्शन। इससे ज्यादा कांग्रेस की झूठी स्टेटमेंट इस सदी की नहीं हो सकती, एवरीबॉडी नोस। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अकाली विधायकों ने आप पर हमला बोला। आप विधायकों ने मांग की है कि अकाली दल सुखपाल खेरा को नेता विपक्ष से हटाया जाए और खेरा के खिलाफ जांच की जाए। इस दौरान अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खेरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों विपक्षी दलों में चल रही खींचतान के कारण सदन की कार्यवाही कई बार प्रभावित हुई। एक दूसरे को आम आदमी पार्टी और अकाली दल द्वारा पोस्टर दिखा नारेबाजी की। आज असी स्पीकर साहब नूं पहली एडजर्नमेंट मोशन दित्ती सी कि सब तो इंपोर्टेंट मुद्दा पंजाब की किसानी नूं बचाउण दा, किसान मर रहे है, खुदकुशी कर रहे है, 300 तो वध किसान ने खुदकुशी करती, तो जुम्मर सरकार है हुण दा तुसीं देखिया होणा कई किसानां ने अपने सुसाइड नोट विच भी मुख्यमंत्री का नाम लिता। मतलब हिस्टरी च पहली बार होया होणा किसी सूबे च भी कि मुख्यमंत्री का नाम एक सुसाइड नोट च आए, तो मैं हैरान है यह डबल स्टैंडर्ड। अच्छा दूजी गल, इन्होंने जो सैशन किया है आ भी सैशन 2 दिन का तां रखे है क्योंकि वह चाहते कि कोई डिस्कशन हो, कम हो जाए। मैं तो कैप्टन साहब को बेनती करदा सैशन बुलाने की भी लोड़ नहीं, हर 3 महीने बाद श्रद्धांजलि पेंट कर दिया करो, वो बाद क्योंकि ना तो कम कर रही है, ना उन्होंने कोई कैबिनेट का डिसीशन का कोई मुल है, ना उन्होंने नोटिफिकेशन का कोई मुल है, ना बजट का मुल है, सारा झूठे का पलंदा है। तो फिर साडा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, क्योंकि अंदर इतने बोलन का देना नहीं। तो वड्डी गल हो रहा है हुण आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस कट्ठी हुई बैठी है, आ सारा गेम तुम देखो ना, कल 2 दिन का काम चल रहा कांग्रेस के आम आदमी का कट्ठे जी हैगी स्कीम बना के कि वो आम आदमी ने कैप्टन साहब ने आम आदमी कहा मेरे खिलाफ ना बोलो, तो आम आदमी ने कहा कि साडा मुद्दा ना, चलो टारगेट अकाली दल दे, क्यों उन्होंने खतरा कि आम आदमी तो खत्म हो गई कैप्टन साहब नू, ते अकाली दल ही है जिहड़ी इन्हां दी आम गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रही है। सो अकाली दल दे अटैक रखो, सानू कोई परवाह नहीं, आ लड़ाई जारी रहूगी किसान, जिन्ना तक इंसाफ नहीं मिलता पंजाब के किसानों नू, पंजाब के गरीब नू इंसाफ नहीं मिलता। अज पंजाब विच ना पेंशन ना शगन, जिन्हें भी वेलफेयर स्कीम है SC दी जिहड़ी स्कॉलरशिप है, जिन्नियां भी वेलफेयर स्कीम सारियां बंद हो गया, 1 साल हो गया। लेटेस्ट न्यूज और इंटरेस्टिंग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नेशनल बस और लाइक करें हमारा Facebook पेज। कीप लाइकिंग।